राइट नाइन्टी थ्री का सवाल है क्वेश्चन है वन डे ऑन अ स्पेस क्राफ्ट का रेस्पॉन्स टू टू डेज ऑन अर्थ स्पीड ऑफ स्पेस क्राफ्ट रिलेटेड टू द अर्थ विल बी नाउ ये सवाल है एक बार आपसे पूछा हुआ है अब ये सवाल एज एज आपके सिलेबस में है या नहीं है अगेन डिबेटेबल इशू है पर क्योंकि सवाल हमारे सामने है और कोई किसी किताब में मैंशन नहीं ये सवाल आपसे पूछा हुआ है सो लेट्स लर्न हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से देखें तो सिर्फ यूनिवर्सल कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट है मास भी आपका रिलेटिव क्वांटिटी है और टाइम भी आपका रिलेटिव क्वांटिटी है सो so, टाइम जो वेरी करता है जब हम एक स्पेस क्राफ्ट में जाएँ सो दैट इज गिवन एज टी नॉट वन माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर इस हिसाब से आपका टाइम पीरियड वेरी और वन बाय टू सो इसका अंडर उठा के सो दिस इज हाउ हमारा टाइम पीरियड वेरी करता है अलग सो so, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये आपका वन डे है ये आपको टू डे महसूस हो रहा है अपने स्पेस में जिसमें जा रहे हैं सो दिस विल बी इक्वल टू टू डेज विल बी इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई अंड्रोड वन माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा विच मीन्स इसको हम इधर ले जाएँ दोनों को हम एक्सपेंड कर दें और सॉरी स्क्वायर कर दें सो इट विल बी इक्वल टू फोर वन माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन हाँ इसको इधर ले आएंगे सो ये हो जाएगा वन बाय फोर इसको उधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बाय फोर विच एम्प्लायज़ वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू थ्री बाय फोर सी स्क्वायर विच एम्प्लाइज वी विल बी इक्वल टू रूट थ्री बाय टू सी सी की वैल्यू हमें पता है थ्री इंटू टेन टू द पावर एट होता है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे सो वी की वैल्यू आ जाएगी रूट थ्री बाई टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री इंटू टेन टू द पावर एट ना इसे अगर हम कैलकुलेट करने लगे तो रूट थ्री uh, की वैल्यू आप रख सकते हैं वन पॉइंट सेवन थ्री टू इसकी वैल्यू होती है तो अंदाज़ा लेने के लिए हम इसको लिख सकते हैं वन पॉइंट एट मान लीजिए हमने लिख लिया तो वन पॉइंट एट डिवाइडेड बाई टू अपना आ जाएगा पॉइंट uh, नाइन उसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट सेवन से थोड़ा सा कम तो टू पॉइंट सिक्स के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी सो so, वी की वैल्यू विल बी इक्वल टू टू पॉइंट सिक्स इंटू टेन थो द पावर एट इस रेंज में अपना आंसर होना चाहिए सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर